छत्तीसगढ़ में दमनकारी कांग्रेस नीत सरकार के प्रखर विरोध के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अहिवारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मिनी स्टेडियम के पास भिलाई 3 में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में हमारा लोकसभा क्षेत्र की 11 सीटें हैं। उन 11 सीटों में हमारे प्रवास दौरा कार्यक्रम चल रहा है, जो संगठन का भी चर्चा करना है, प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी हम उजागर कर रहे हैं, और केंद्र सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जो प्रदेश में जितना उसका लाभ मिलना चाहिए, इस सरकार के निकम्मापन के वजह से, इनके भ्रष्टाचार के वजह से एक काम जो है उतना नहीं दिखाई दे रहा है, जमीन में नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ जो है सरकार भ्रष्टाचार करके सिर्फ लूट के लिए काम कर रही है। इनके सामने गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए इनका नियत नहीं है, और इसलिए हमारा एक प्रदेश नेतृत्व ने एक कार्यक्रम बना करके हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और इस तरह का अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि एक साल बचे चुनाव, इस प्रकार की नीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है जो चल रहा है उसके माध्यम से अधिक विधानसभा में हम ऐसी मजबूत स्थिति बनाएंगे कि हमारी सरकार आने वाला समय में बने। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया कि गली गली मोहल्ले हम अपने नेताओं के नेतृत्व में जन जागरण करेंगे और जनता के बीच में जा करके भ्रष्टाचार के जो नमूने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उसको उजागर करेंगे।